भाभी भाभी, इतनी तेज चिल्ला रहे हो कि तुम्हारे अंदर जरा सा भी मैनर्स नहीं है। भाभी आप मुझे मैनर्स ना सिखाएं तो अच्छा है। एक 200 रुपए दे दीजिए। 200 रुपए? जरा ये भी बता दो कि वो 200 रुपए का करोगे क्या? अरे 200 रुपए का क्या करूंगा, बाल देख रही हो कहाँ तक आ रहे हैं, इनको कटवाना है। एक काम करो, इनमें मिट्टी का तेल छिड़क के और माचिस मैं दिखा दूंगी। 200 रुपए मांगने आए हो, 200 रुपए रखने की औकात भी है तुम्हारी, और तुम जानते नहीं किसके सामने खड़े हो। अरे सब पता है किसके सामने खड़ा हूँ। क्या सब पता है किसके सामने खड़ा हूँ मतलब? तुम जो भी हो ना वो मेरे भाई की वजह से हो। आज जो ये जुबान अपनी चला रही हो ना, केवल मेरे भाई की बदौलत। बदतमीज, तेरी इतनी जरूरत जो तुम मेरे सामने खड़े होके अपनी जबान लड़ा रहे। जुबान तो अरे तुम लोग जानते नहीं मेरे टुकड़ों पे पलने वाले कीड़े मकोड़ों और मेरे ही सामने दांत दिखा रहा अपने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? अरे भूल गया वो दिन, और क्या कह रहा है कि तेरे भाई की वजह से हूं मैं जो भी कुछ हूं। अरे याद कर वो दिन, तेरे भाई को फर्श पे से उठा के आसमान में पहुंचाने वाली भी मैं ही हूं। कोई आसमान में पहुंचाने वाली नहीं हूं। मेरा भाई मेहनती ना होता तो आज इस कगार पे ना होता, और वो तो भाई के आने के बाद पता चलेगी कि किसकी कितनी औकात है इस घर में। अपनी जुबान को आप संभाल के रखिएगा। भैया ने मुझे वो संस्कार दिए हैं कि किसी की बेइज्जती मत करना बेटा, अपने से बड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा ना होता, तुम मेरी भाभी ना होती, तो आज तुम्हें पता लग जाता कि बदतमीजी करने का। वाह, भैया कहता है कि बड़ों की बेइज्जती मत करना, और छोटा भाई आके अपनी माँ समान भाभी की बेइज्जती करता नहीं। और माँ समान भाभी, माँ समान भाभी ये मर्यादा ही भी भूल जाती है कि देवर से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे उससे ट्रीट करना चाहिए। और हाँ, जब भैया आते हैं तो आप एक भीगी बिल्ली की तरह हमारी सेवा करने लगती हो, और जब भैया यहाँ से चले जाते हैं तो डसने को घूमती हो नागिनों की तरह। अरे सोचो कि मैं नागिन नहीं हूँ कमीनो, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम जैसे छोटे लोगों को अपने मुंह लगाया। अरे मैंने ही विक्की से कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमारी औलाद भी नहीं होगी तो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को अपनी औलाद बना लूंगी, लेकिन तुम तो औलाद क्या कुत्ते बनाने के काबिल भी नहीं हो अपने घर में। माइंड योर लैंग्वेज भाभी, बहुत हद से ज्यादा हो रहा है इस समय। देखो भाभी, मैं आपसे कह रहा हूँ आसानी से मान जाइए, और अपने आप को जितना जल्दी हो सके सुधार लीजिए, क्योंकि हमारे घर के लिए ये संस्कार अच्छे नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत जो मुझे जवाब दे के गया, लेकिन ये जानता नहीं मैं कौन हूं। पूजा, ए पूजा। जी दीदी। अरे तैयार होके कहाँ जा रही है मेरी रानी गुड़िया? लग रहा था घुमाऊं कहीं। अच्छा, घूमने का मन कर रहा है? और हाँ दीदी, कुछ काम भी था। काम? हाँ बोल, क्या काम है तुझे? काम, कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? हाँ, पैसों का क्या करना है तुझे? जो भी तुझे चाहिए वो तो मैं मंगा ही दूंगी तेरे लिए, बता तुझे क्या चाहिए। नहीं दीदी, मैं ले लूंगी ना, आपको मैंने बोला ना मैं घूमने जा रही हूँ। वैसे ये बता, करना क्या है? करना क्या है? हाँ, दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। फिल्म देखने जाना है? अच्छा ये बता, कितने पैसे की जरूरत है? 1000 रुपए। बस 1000 रुपए? बस, पिक्चर ही तो देखनी है। अच्छा फिल्म देखने जाना है? हाँ चल ठीक है, एक मिनट रुक, मैं अभी लेके आती हूँ। जल्दी लेके आना। बस यूं गई और यूं आई। ठीक है, ये ले। अरे वाह दीदी, आपने तो 1 सेकंड भी नहीं लगाई, फटाफट से। 1000 है ना? पूरे 1000 रुपए। ठीक है, मस्ती करके आना फुल। चल देखने जाती हूँ। ठीक है, बाय दीदी। पूजा? हाँ, कहाँ जा रही है? मैं फिल्म देखने। इतने सारे पैसे? हाँ। किसने दिए? दीदी ने दिए। अच्छा, भाभी ने दिए? हाँ। चल ठीक है, देगा। भाभी घर पर ही है? हाँ घर पर ही है। जाओ चले जाओ, और मुझे जाने दो। भाभी, भाभी आओ। बड़े देवर जी, और कहीं कथा वथा नहीं पढ़ के आए लगता है? नहीं भाभी, मैं मंदिर से आ रहा हूँ। मंदिर से? हाँ। क्या मांगते हो भगवान से?
वैसे आज किसी ने हवन वगैरह नहीं कराया? नहीं भाभी, देखो अगर हवन कराते हैं तो वहाँ जाते हैं, वरना मंदिर पे बैठ के भगवान का भजन करते हैं और अपने भैया भाभी की लंबी आयु के लिए और स्वस्थ की कामना करते हैं। है? साला क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, कोई किसी की लंबी आयु के लिए दुआ नहीं करता। भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आप तो एक गुणवान स्त्री हैं, आप पे तो प्रभु की कृपा है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अबे चल, जो बात करने आया है वो कर, या फालतू की मुझे रामायण मत सुना। भाभी मैं एक काम के लिए आया था। भौंको। ऐसा था, मंदिर पे भंडारा हो रहा है तो उसके लिए 500 रुपए लेने के लिए आया था। क्या 500 रुपए? हाँ। मैंने के यहाँ पे अनाथालय खोल रखा है क्या, जो यहाँ 500 रुपए का चंदा मांगने आई हो? वैसे भाभी आपका उन 500 रुपए देने में कोई धन कम नहीं हो जाएगा, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि मेरे भैया ही इस घर को चला रहे हैं, वो कमा रहे हैं और आपको लाके देते हैं, आप घर चलाती हैं, क्योंकि भैया रोज रोज तो आते नहीं हैं, हमारे भैया तो विदेश में हैं, हम तो साल में एक बार उनकी सूरत देख पाते हैं। भाभी हमने तो बस आपको ही अपना माना है, हमारी तो माँ भी नहीं है, और भाभी को कहते हैं कि भाभी को ही माँ कहते हैं। तो साल में सूरत तो इसलिए देखते हो क्योंकि तुम्हारे भाई ने घर में 2 पालतू कुत्ते जो पाल रखे हैं, अगर उनका खाना दाना नहीं होगा ना तो तुम्हारे भाई को चैन नहीं पड़ता। दिन में 20 बार अगर मुझ पर कॉल करते तो उसमें 10 बार तुम्हारा जिक्र होता है, तुम लोगों का। नहीं भाभी, कि मेरे भाई कैसे हैं। अच्छा भाभी, एक भैया अपने भैया के लिए इतना भी नहीं कह सकता, क्या ये आपको बुरा लगता है? ये ढकोसले मेरे सामने तो ना ही दिखाऊ ना तो ही अच्छा है, बस पैसों के लालची कुत्ते हो, मैं सब जानती हूँ। सिर्फ तुम अपने भाई से भाई से प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ उसकी दौलत पे मरते हो, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बस भाभी, ये घर आपका नहीं, ये घर हमारे माँ बाप का है, और हमारे माँ बाप नहीं रहे तो अब हमारे भाई का घर है ये। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस घर में रह करके हुक्म चलाएंगी। बदतमीज, तेरी इतनी इज्जत जो मुझसे जवान लड़ाए, मेरा बस चलता ना तो तुम लोगों को धक्के मार के घर से निकाल देती। आउट। कोई पैसे नहीं है, अगर भीख मांगने का इतना ही शौक है ना तो जाके घर घर मांगो, दफा हो जाओ अपनी शक्ल लेके यहाँ से, और आइंदा ये मनुष्य सूरत लेके मेरे आगे मत पड़ना। इसकी इतनी जरूरत जो मुझसे जवान लड़ाए, इस 2 कौड़ी के घर की धौंस देता है मुझे। तू जानता नहीं मैं कितने कठोर पति बाप की औलाद हूँ। अरे तुम्हारे ऐसे घर तो सोयों खरीद देगा मेरा बाप, लेकिन अफसोस मैंने विजय से प्यार किया था, इसके पालतू कुत्तों से नहीं, किसके पालतू कुत्तों को भी मैं ही पालूंगी अब, लेकिन इन कुत्तों का रास्ता दिखाना तो मेरे हाथ में है। आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? अरे नहीं मेरे भाई, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। आपकी आंखों के आंसू ये बयां कर रहे हैं कि कोई ना कोई बात है भैया? नहीं रवि, कोई बात नहीं है। देखिए किशन भैया, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बात है और किसने आपको रोने पर मजबूर किया है? अरे नहीं किशन मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तू जानता है मेरी आँखों में थोड़ा आँसू आ जाते हैं, वो प्याज कट रही थी तो झड़प आ गई तो आँसू निकल आए, कोई बात नहीं। भैया आप सीधे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर होने वाले अन्याय का कोई बारे में बात नहीं करेगा, आपको मुझे बताना होगा कि किसने आपको आपके साथ क्या किया है। तुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा? बस भैया मुझे पता है कि आपके साथ किसने क्या किया है, भाभी ने कुछ कहा है ना आपसे? बताइए। हाँ। बताइए मुझे क्या कहा भाभी ने? कुछ नहीं, मंदिर पे भंडारा हो रहा है उसके लिए मैं 500 रुपए मांगने गया, क्योंकि भैया इन्हीं को दे देते हैं, यही निकाल के लाती हैं बैंक से, तो उन्होंने कुछ कही। उन्होंने क्या किया, क्या किया भैया? चांटा मार दिया, गलती से मार दिया, कोई बात नहीं, वो बड़ी चुप, एकदम चुप। अब उस औरत की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हम पर हाथ उठाएगी?
मतलब हमारे घर में रह के, हमारे परिवार में रह के, हमारे भाई के साथ रह के अब उसके जुल्मों की हद हो चुकी है। पहले उसने क्या क्या नहीं किया, हमारे फोन जब्त किए, हमें खाना नहीं दिया, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम अपने भाई से प्यार करते हैं। लेकिन अब उस औरत की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हम पर हाथ उठाएगी। आप मेरी साथ अभी चलेंगे उस औरत के पास। समझा कर, मेरी बात समझा कर, नहीं ऐसे नहीं करते घर में। भाभी, भाभी कौन मरे जा रहे हो इतने चिल्लाते चिल्लाते? मरा मैं नहीं, मरेंगी तो आप, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही हैं। आपकी हिम्मत कैसी हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? हाथ मेरा बस चलता ना तो थप्पड़ तुम्हारे भी लगाती एक। भाभी आप भूलिए मत कि हम आपके देवर हैं, इसलिए अभी तक हम मर्यादा में हैं और औरत को भी मर्यादा में रहना चाहिए। वाह, मुझे नहीं पता थी कि विजय के पालतू कुत्ते आज मुझे पे भौंकने लगेंगे। हाँ, अगर भाभी हम कुत्ते हैं ना तो आप उन कुत्तों की झूठन खाने वाली हो, क्योंकि आप हमारे भाई के रहमों पे पल रही हो। अरे तुम्हारे भाई के साथ रहती हूँ, तुम लोगों के साथ नहीं। तुम्हारे भाई के साथ रिश्ता तुम जैसे भिखारियों के साथ नहीं। बस भाभी, बहुत सुन लिया आपका और बहुत कह लिया आपने। आप हमसे ये कह रही हो कि हम, हमारा भाई, हम लोग गरीब है। अरे गरीब तो तुम थी जो इस परिवार में आई हमारे भाई की दौलत के लिए और इस पर राज करने लगी। वो तो हम अपनी इज्जत की वजह से, अपने भाई की इज्जत की वजह से आपसे कुछ नहीं कहते, नहीं तो आज मैं आपका मुंह तोड़ देता अगर आप मेरी भाभी ना होती। कृष्ण, तमीज है कि नहीं? हाँ, ये बड़ी है हमारे घर की, अरे इनकी इज्जत किया करो। भूल गया तू हमारे भैया ने हमें क्या संस्कार सिखाए थे? ये संस्कार सिखाए थे कि बड़ों की इज्जत ना करो। हाँ, और तूने आज ये संस्कार दिखा के तूने आज सारी इज्जत को, मतलब भैया की सारी इज्जत को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हाँ, अरे ये भाभी हैं और वो हमारे बड़े भैया, एक तरीके का हमने अगर अपने माँ बाप तो नहीं देखे पर हमने अपने बड़े भैया और भाभी के रूप में अपनी माँ तो देखी है। समझ कुछ मेरे भाई, समझ। देखा देखा, कहते हैं ना ये होते हैं संस्कार, ये है हमारे भाई की पढ़ाई हुई संस्कृति। और आपकी जुबान से तो साफ साफ महसूस होता है कि आपको किस तरीके के संस्कार मिले हैं। बंद करो अपनी बकवास। वाह, दूसरा भाई बेइज्जत करता है और बड़ा भाई थप्पड़ मार के मेरे सामने नाटक करके दिखाता है। वाह, अरे तुम्हें तो किसी नाटक में भर्ती हो जाना चाहिए। यार दर दर भटकने से तो जो हजार हजार पांच पांच सौ दो दो सौ रुपए मांगते हो ना, और तुम कटोरा ले लो और गली गली भीख मांग लो। अरे तुम्हें तो कोई भीख भी नहीं देगा क्योंकि तुम्हारी सूरत ही इतनी बुरी है। और निकल जाओ दोनों के दोनों मेरे घर से। अगर तुम दोनों, अगर तू अपने भाई को लेके यहां से नहीं निकला ना तो सोच लेना आज मैं क्या कर दूंगी। चले जा, दफा हो जा यहां से। जा तो रहे हैं हम, पर एक बात याद रखना, जब भी हमारा भाई आएगा ना तुम्हारे साथ तो वो होगा कि तुम सोच नहीं सकती। एक मिनट, अगर तुम्हारा भाई आएगा भी ना तो तुम जानते नहीं मैं वो नागिन हूं जो डसने के बाद भी दूसरा जन्म ना मिल पाए। अगर वो आएगा भी तो बहुत से ऐसे लाखों इल्जाम है जो मैं लगा सकती हूँ। और सीखा भी क्या है तुमने, जिस गंदे परिवार से तुम आई हो उस परिवार की संस्कृति ही यही थी। तुम लोगों को घर से तो निकाल दिया लेकिन अगर विजय आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगी? लेकिन वो जवाब मेरे पास है कि मुझे उससे क्या कहना है। साले कंदी नाली के कीड़े, थू! अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम इस घर में नहीं रहना। क्यों? लेकिन ये घर तो तुम्हारा ही है। जिस घर में कोई इज्जत ना हो उस घर में रहना बेकार है, उस घर को छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन मुझे बताओगे भी आखिर हुआ क्या? वाह, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि हमारे साथ होता क्या है।
अच्छी तरह पता है हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे साथ वो व्यवहार होता है जो किसी नौकर के साथ होता है। क्या नहीं करते हम इस घर के लिए? देखो मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, और अन्याय तुम्हारे साथ कौन अन्याय करेगा? तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन वो नागिन है। हमारी बहन अन्याय? अरे वो अन्याय नहीं करती तुम लोगों पे। देखो वो तुमसे बड़ी है, अगर कुछ कहती भी है तो तुम बुरा क्यों मानते हो? वो बड़ी है मतलब हम उनको माँ की नजरों से देखें और वो हमारे ऊपर अत्याचार करती रहे और हम कुछ कहें भी ना। बस हमें इस घर में अब रहना ही नहीं है। चलिए भैया चल। मैं बात करती हूँ। दीदी दीदी रोने के पास दीदी आप रो रहे हो? दीदी हुआ क्या? वहाँ उधर रवि किशन घर छोड़ के चले गए, मेरी समझ में नहीं, और आप यहाँ रो रही हो? रो तो मैं अपनी बदकिस्मती पे रही हूँ पूजा। लेकिन दीदी हुआ क्या मुझे बताओगी भी? हुआ क्या ये पूछ कि क्या नहीं हुआ? दीदी मुझे बताओ पहले। रवि और किशन मैं काफ़ी दिनों से तुझे बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि घर का मामला है। दोनों के दोनों मेरे साथ बदतमीजी करते थे, कहते थे अरे भैया नहीं है तो हम तो है, लेकिन मैं तो उन्हें अपने बेटे की तरह रखती थी। लेकिन रवि किशन ऐसा कर सकते हैं? और लड़ झगड़ के मुझसे पैसे ले गए छीन के। वो तो मैं माता रानी की कृपा से मैं बच गई, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और तो और मेरे ऊपर हाथ और उठाया क्या? जैसे कि मैं विजय की नहीं उन लोगों की बीवी हूँ। वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और पता है मुझसे क्या कहते थे कि तुम इसकी इस घर की बहू नहीं इस घर की नौकरानी, और इतनी गंदे गंदे इल्जाम लगाते थे नौकरानी कि तुम हमारी रातें रंगीन करो ये करो भैया नहीं है तो। और मेरे सामने इतने शरीफ बन रहे थे जैसे कि कुछ जानते ही नहीं, कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने घर से क्यों निकाला? मैं कौन होती हूँ उन्हीं के घर से उन्हीं को निकालने वाली? मेरा तो बस चले, मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं उनके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उन्हें घर तक ले आऊं। नहीं दीदी वो हाथ जोड़ने लायक नहीं है। नहीं पूजा अगर विजय आएंगे तो वो क्या कहेंगे कि तुम अब मेरे भाइयों को भी नहीं संभाल पाई? लेकिन वो जानत है वो बतानी होगी। नहीं नहीं तुम कुछ मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहती तीन भाइयों के बीच में दरार आए। दीदी अब रोना बंद करो, चलो तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, अंदर चलो। और हो रहा है चलो अंदर। अंकल अंकल। अरे बेटा रवि किशन। नमस्ते बेटा, क्या हाल बना रखा है? नमस्ते अंकल। कैसे आना हुआ बेटा? अंकल आना तो नहीं चाहते थे हाँ, लेकिन तकदीर ने ऐसी करवट ली है कि मैं ना चाहते हुए भी आपके पास आना पड़ा। हमारी भाभी हम पे बहुत जुल्म करती है भैया, जब से बाहर गए हैं अंकल तब से उस औरत ने हमारा जीना हराम कर दिया, और अब तो उसकी हद इतनी बढ़ चुकी है कि उसने भैया के ऊपर हाथ छोड़ा। इसके ऊपर हाथ छोड़ दिया? हाँ अंकल। बहुत, इसका मतलब वो औरत नहीं नागिन है। सही, औरत का काम तो ऐसा नहीं होता, उसे तो मालूम है कि जब इनका बड़ा भाई बाहर है तो उस कमबख्त को तो और प्यार के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ तुम लोगों को रखना चाहिए। बेटा तुमने सही किया यहाँ आकर, ये घर भी तो तुम्हारा है और तुम परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब तक भाई नहीं आता तुम्हारा यहाँ। नहीं अंकल, ये तो आपका बड़प्पन है और शायद पिताजी की दोस्ती की वजह से आप हमसे इतनी हमदर्दी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन हम अंकल ऐसे आपके घर में नहीं रह सकते हैं अगर हम दोनों लायक कोई काम हो। अरे बेटा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पिता मेरे बहुत कर्रे वाले दोस्त थे, ठीक है बेटा, काम मिलेगा तुम्हें। आओ चलो घर पे चलो, तुम अब पहले घर पे चलो, चलो हमारे साथ। धन्यवाद। आइए दीदी। दीदी। अरे पूजा। हाँ बोल क्या बात है? दीदी रवि किशन का कुछ पता नहीं चल रहा है, अगर जीजा जी आ गए तो क्या होगा? लेकिन पूजा मैंने भी बहुत पता लगाने की कोशिश करी, उनके फ़ोन भी
करने की कोशिश करी लेकिन उनके तो नंबर ही नहीं लग रहे, स्विच ऑफ जा रहे हैं। लेकिन दीदी जब वो दोनों जा रहे थे उनके पास फोन तो थे नहीं। अरे तू नहीं जानती, अरे जुए में कहीं सट्टा वट्टा लगा के दारू वारू पी के बेच दिया होगा फोन, और क्या है इन लोगों का, बस इसी वजह से तो इस घर में लड़ाई होती थी, बस अय्याशी करने के लिए पैसे मांगते थे। और देखो तुम तो जानती हो पूजा कि कोई भी अपने पति की कमाई को इस तरीके से बेफजूल में नहीं उड़ाने देगी किसी को भी, है कि नहीं। कल को तुम्हारे जीजा जी मुझसे सवाल पूछते कि मेरे भाइयों पर कंट्रोल नहीं कर पाई, बस इसी वजह से मैं उनकी बुरी थी। पूजा देखो कल तेरे जीजा जी आ रहे हैं, ये बात तू बिल्कुल मत बताना उन्हें कि वो लोग। दीदी जब जीजा जी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी? अरे मैं बता तो रही हूँ। तुम भी क्या बोलोगी? तो तू सुन तो सही मैंने मुझे क्या बोलना है और तुझे क्या बोलना है। अगर वैसे तो वो तुझसे नहीं मुझसे पूछेंगे, ठीक है, और अगर एक्स वाई जेड तुझसे पूछने भी लगे तो यही जवाब होना चाहिए जो मैं जवाब दूंगी कि बड़े वाले भैया हरिद्वार गए और छोटे वाले भैया कॉलेज के टूर पर गए। ठीक है? ठीक है, बस एक ही जवाब निकलना चाहिए, तब तक वो लोग आ जाएंगे। बस ये कि विजय से ये मत कहना तुम कि वो इस तरीके से लड़ाई झगड़े करके निकल के गए। देखो भले ही उन लोगों की गलती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि तीनों भाइयों में बिगड़े और विजय के मन में उनके लिए खटास पैदा हो। ठीक है दीदी, है कि नहीं? समझ गई। जीजा जी को आने दो, राग देखते हैं। अच्छा चल ठीक है, लेकिन हाँ तुम पता लगाती रहना वो दोनों है कहाँ। तू जा। बात तो ठीक कह रही है पूजा, कल विजय आ जाएगा फिर मैं क्या जवाब दूंगी उसे। पता नहीं दोनों के दोनों कुत्ते ना जाने कहाँ मर गए जाके, अगर मरना ही था तो ये घर क्या कम था उनके लिए, मरना था तो यही मर जाते, बाहर जाके अपना मुंह काला क्यों किया। सपना, सपना। अरे विजय तुम आ गए? हाँ सपना। सच्ची मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम आ गए। अरे यार बहुत थक गया। और सपना कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, पर तुम्हारे बिना कैसी होंगी मैं? और बिजनेस कैसा रहा तुम्हारा? सपना एकदम बिंदास। मैं जब विदेश गया ना तो मैंने अमेरिका में अपनी कंपनी के सारे सैंपल दिखाए और हर तरफ हमारी कंपनी का गूंज। सपना जब से तुम इस घर में आई हो लक्ष्मी बनकर, इस घर ने तो बस आकाश को छू लिया है। बस अब मुझे छोड़ के मत जाना क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और अगर जाना तो मुझे साथ लेके। बिल्कुल बिल्कुल सपना, इस बार लेके जाएंगे तो तुम्हें साथ लेके जाएंगे। और सब बच्चे बच्चे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस बच्चों की फिक्र पड़ी है, बीवी की तो फिक्र है ही नहीं। अरे सपना तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बीवी की सबसे ज्यादा फिक्र है, जबी तो बीवी के बारे में पूछा है सबसे पहले। अच्छा ये बताओ मेरे लिए जल्दी से कॉफी, और इसमें बहुत सारी साड़ियां हैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कपड़े भी हैं। अच्छा अब चलोगी भी? आओ ना। हाँ सपना पिछले 2 घंटे से पूछ रहा हूँ कि बच्चे कहाँ हैं, तुम कह रही हो कि वो एक कॉलेज के टूर पे गया हुआ है और एक हमारा जीजा जी। अरे अरे वाह कब आए? बस अभी आया, गले लग के कपड़े खराब करो मैं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक करने की आदत नहीं है। हाँ। अच्छा ये बताओ भाई वाह वाह पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रही है। मैं तो बस विदेशों में घूम रहे थे, तुम्हारी दीदी के लिए कुछ सपने बुनने गए थे हम। अच्छा। ताकि इस घर के अंदर खुशियां ला सके। वैसे एक बात बताऊं, कहीं से भी लगती नहीं है तुम्हारी बहन है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम और ये दोनों अलग अलग दिमाग की हो। हम तो चाह रहे हैं कि इसी घर में इसकी शादी कर दें अपने भाई से, तो ये भी रहेगी इसी घर में। कैसी बातें करते हो? क्यों क्या हो गया? अरे वो नहीं कर पाएगी ना, समझा करो। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर में मैं आ गई तो अब दूसरी को भी इसी में रख लो। अरे हम तो चाह रहे हैं कि तुम्हारे पूरे खानदान को बहू बना के इसी घर में लिया। हाँ। तो भगवान के दिए सिर्फ 2 ही भाई हैं, एक का तो हो चुका, 2 की रह गई है, और एक हमारे पंडित भाई हैं हरिद्वार, हरिद्वार चले गए। हरिद्वार गए वो? हाँ वो जो देवर जी। और जीजू एक बात बताइए, आप दीदी के लिए तो साड़ियाँ लाए हो, तुम्हारे लिए तो हम वो चीज लेकर आए जो किसी के लिए नहीं लाए। क्या? तुम्हारी दीदी के आंखों में जलन होने लगी।
क्या करें हम इतने रोमांटिक। वैसे एक बात बताएं साली जी, वहाँ की जो लड़कियाँ होती ना, हाय हाय, बिल्कुल शॉर्ट पहने हुए समंदर के किनारे, हाय हाय, आंखें सेकने का बड़ा मन करता था बिल्कुल। नहीं नहीं यार, लेकिन मेरी बीबी की तरह कोई नहीं थी, मेरी बीबी WWE की चैंपियन है। हाँ बस ये तो है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। क्या? बेहतरीन सी पैंट जींस और वहाँ की बेहतरीन सी कोट, ताकि तुम यहाँ से पहनो। ये पैंट पहन के तुमने घिस दिए हैं, है ना? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी जीजा जी। हाँ कि जीजा जी आएंगे अब मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। और जीजा जी तो ना जाने किन किन को देख रहे थे वहाँ पे। किन किन को देख रहे थे? वैसे एक बात बताओ, हिंदुस्तानी औरतें, दुनिया की कोई भी औरत हो, अपने मर्द पर शक जरूर करती है। ये तो बीवी बीवी होती है ना? शक करने पे मजबूर करोगे तो शक नहीं करेगी वो? लो शक करने पे मजबूर कर देंगे। अरे सुनो, सारी चीजें छोड़ो मेरी पत्नी जी, आज तुमने जो बिरयानी बनाई है उसका तो जवाब ही नहीं। हाँ जीजा जी, हमारी दीदी बिरयानी तो बहुत ही अच्छी बनाती है। देखा, एक दीदी बिरयानी अच्छी बनाती है और एक साली बातें बड़ा अच्छा बनाती है। है? तो चले जीजा जी बिरयानी खाने। हाँ चले चले। ठीक है ठीक है, लेकिन तुझे तो कुछ काम था ना, बाहर जा रही थी तू? हाँ जा तो रही थी, लेकिन बस कहने का मतलब ये है कि ये कबाब में हड्डी बन रही है ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जाने वाली थी। हाँ, तो क्यों नहीं गई? हाँ तो जा रही हूँ। उधर कहाँ जा रही, इधर जाना, भूल जाती है, तेरा भी दिमाग जरा चलामा रहता है। अच्छा ध्यान से जाना। क्या ध्यान से जाना, तुम साथ चले जाओ उसके। अरे जाने मन, वो हमारी साली है और आपकी बहन है। ओ तुम्हारी साली, मुझे तो तुम्हारे इरादे कुछ सही नहीं लगते। अरे इरादे सबके सही होते हैं, हिंदुस्तान के सारे मर्दों के इरादे एक सही होते हैं कि साली आती घर वाली होती है। अच्छा तो हा? पूरी बना लो उसे, आधी क्यों बना रहे हो? मैं साइड में हट जाऊं? लो तो वैसे भी साइड में हटोगी, आओ मेरे साथ साइड में चलते हैं। अरे अंकल, दीनानाथ अंकल। अंकल नमस्ते। कब आया बेटा? मैं आज ही बस सुबह आया था, मैंने सोचा कि अंकल से मिलता चलूं। और अंकल आप ठीक हैं? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और सुनाओ अंकल? बस फर्स्ट क्लास है। अंकल बस मैं चाहता हूँ, देखो आपके कपड़े का गारमेंट जो है ना और हमारी कंपनी के जो सैंपल हैं, बिल्कुल विदेशों में गया और मैं सारी चीजें, मैं चाहता हूँ अंकल कि आपका एक और लॉट आ जाए कंपनी का और छा जाए और सब ठीक ठाक चल रहा है। फर्स्ट क्लास मील भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा एक नया मील भी लगाया है। हाँ बिल्कुल अंकल, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आप तरक्की करो और बस। भाई ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा लो बाहर। हाँ आप आजकल US से है ना अंकल? वो यही तो कह रहा हूँ अंकल, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। देखो बस मैं भी चाहता हूँ कि अपने भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा प्लांट लगाऊँ, ताकि मेरे भाई भी मेरी तरह तरक्की करें। बस यही कहना आया था। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है बेटा। ठीक है अंकल, बस यही कहना आया था कि जैसे मेरे पिताजी थे वैसे आप हमारे लिए। अच्छा अंकल मैं चल रहा हूँ। अरे बेटा तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अरे अंकल बाद में बात करना, इस वक्त मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। ये पता नहीं है इसे कि इसके दोनों भाई हमारे पास लगे हुए हैं, विदेश में काम कर रहा है, हमसे जुड़ा हुआ है, सारी बातें हैं। और ये देखिए कैसा भाई है, अपने भाइयों के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। और अंकल आप खैरियत से हैं और अपनी खैरियत, बिजनेस कारोबार सब बता दिए, मगर भाइयों की ना कभी वहाँ से फ़ोन किया कि मेरे भाई कैसे हैं, और ना यहाँ आकर अंकल से पूछा कि भाई वगैरह हमारे किस तरह के हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं। ये कोई खैरियत नहीं, ना घर में भी नहीं पूछा जाकर। अरे मेरे पास कितने 15-20 दिन से रह रहे हैं मेरे पास इसके दोनों भाई, इसको एक बार भी ये नहीं पता हुआ कि मेरे भाई हैं कहाँ। बदबख्त आया अंकल जी, ठीक है। अरे सपना सपना सप जीजा जी, दीदी नहीं है यहाँ पे। अरे पूजा, पूजा करने के लिए गई है। लो पूजा करने के लिए गए हैं। ओह आज पूजा का दिन है। अच्छा अच्छा, मुझे उससे बहुत जरूरी काम था। जरूरी काम था? क्या मुझे बता। बस ऐसी कुछ ऐसी बातें पूछनी थी। अच्छा ये बताओ पूजा, तुम्हारे पास फोन आया रवि या किशन जा दोनों में से किसी का? फोन नहीं, तो मेरे पास तो किसी का फोन नहीं आया। मैं फोन कर रहा हूँ उनके फोन स्विच ऑफ पता नहीं। तुम्हें पता चला उनका कोई फोन कहीं? नहीं जीजा जी, मुझे मेरे पास तो ना कोई फोन आया ना कुछ। काफी दिन से नजर ही नहीं आ रहे, ना फोन आया। यही तो कहते हैं कि आजकल के बच्चों को बस। चलो रवि का तो देखो,
कि मैं मान सकता हूँ कि रवि अपने दोस्तों में मगन होगा, लेकिन किशन को कुछ तो खबर होनी चाहिए। इतना धार्मिक भाई है मेरा, उसको ये तो मालूम करना चाहिए था कि इतने दिन हो गए तुम लोग अकेले हो घर में और दोनों बाहर ऐश कर रहे हैं। पता नहीं जीजा जी, कुछ बता के नहीं गए। चलो कहाँ गई? मंदिर। अच्छा ठीक है। किशन तू? हाँ भैया मैं। तू तो हरिद्वार गया था? नहीं भैया। तू यहाँ? किसने कहा था आपसे कि मैं हरिद्वार गया था? मैं तो अपने इसी मंदिर में था। मंदिर में? लेकिन मुझे तो घर पे पता चला तू हरिद्वार गया हुआ है किसी मंदिर के सिलसिले में। नहीं भैया कोई मंदिर नहीं गया। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या है? किशन नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा भैया। नहीं किशन हुआ क्या? तू ऐसे डर क्यों रहा है? क्या बात है बेटा? नहीं किशन। नहीं भैया। किशन तुझे भगवान की कसम है बता क्या बात है। अरे मैं पूछ रहा हूं क्या बात है, और तू पुतला बना हुआ खड़ा हुआ है? और क्या करूं मैं? क्या हो गया मेरे भाई? और क्या करूं अगर पुतला ना बनूं तो? मतलब तू कहना क्या चाहता है? अब समय मिला है आपको आने के लिए। अरे मेरे भाई जब समय मेरे टूर खत्म होगा बिजनेस का जब ही तो वापस आऊंगा। लेकिन काश ऐसे तो आप अगर अपने टूर पे होते और हम मर जाते तो ही ठीक था। कैसी बातें कर रहा है? एक छप्पड़ मारूंगा तेरे खींच के अभी। ये बता बात क्या है? और रवि किधर है? रवि? रवि कॉलेज के टूर पे गया? कोई कॉलेज के टूर पे नहीं गया रवि। फिर? रवि सेठ जी के यहाँ काम पे लगा हुआ है। कौन से सेठ जी के? हमारे सेठ अंकल जो हैं। दीनानाथ जी के यहाँ? हाँ। लेकिन मैं तो दीनानाथ जी के घर गया, उन्होंने तो मुझे बताया नहीं। वो बताएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताने के लिए मना कर रखा है उनसे। लेकिन क्यों मना कर रखा है तुम लोगों ने? बस भैया मने कर क्या भैया भैया लगा रखा है? अबे तू इतना धार्मिक था, इतनी सारी चीज तेरे पास है, मंदिर जाता है, कभी तूने एक बार भी सोचा कि तेरा भैया का क्या होगा? और यहाँ चले आए तुम मुंह उठा के और घर पे जाके झूठ बोल दिया तुमने कि तू हरिद्वार गया है, और एक उसने झूठ बोला है कि तुम लोग टूर पे गए हो। जब तक आप थे तब तक हम घर से निकले, और जब से आप बाहर निकल चुके हो तब से ही हम बाहर आ गए हैं भैया। तू कह रहा जब तक आप थे तब तक हम घर पे। तो तुम उस घर से निकल के क्यों आए? क्या घर वो तुम्हारा नहीं था? हम निकल के नहीं भैया, हमें निकाला गया। निकाला गया? किशन किसने निकाला तुम्हें? किसने निकाला घर से तुम्हें? कौन निकालेगा भैया? जिसको जिसकी सूरत में हमने माँ की झलक देखी उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तेरे कहने का मतलब ये है कि तेरी भाभी ने तुझे घर से निकाल दिया, रवि को घर से निकाल दिया? दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन क्यों? हम नाकारा हैं, हम कोई काम नहीं करते, सिर्फ इसलिए हम पैसे मांगते हैं उनसे। लेकिन मैं तो उससे कह के गया था कि मेरे भाइयों का अच्छी तरह ख्याल रखना, सारी चीजें तो कह के गया था, और मोबाइल वोबाइल सब तुमने बंद कर रखा है। हमारे मोबाइल भी छीन लिए हैं भैया, हम पर फोन भी नहीं है। इतना सब कुछ होता रहा और मैं वहां। चल मुझे रवि के पास ले चल। चल आओ भैया। लेकिन ये तो दीनानाथ जी की फैक्ट्री है। हाँ भैया उन्हीं की फैक्ट्री है। तो रवि क्या कर रहा है? आप कुछ देर रुको मैं लेके आता हूँ भैया को। रवि? अरे सेठ जी। सेठ जी? क्या सेठ जी लगा रखा है ये? तू कहना क्या चाहता है? सेठ जी आपके लिए कुछ चाय नाश्ता। ऐसा थप्पड़ मारूंगा खींच के अभी। क्या सेठ जी लगा रखा है? और तुम लोग ये दीनानाथ जी की फैक्ट्री में क्या कर रहे तू? अरे आप तो हमारे मालिक हैं, आप कैसी बातें कर रहे? रवि
क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे अपने अपने भाई से मजूरी कर रहे हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या तुझे मैंने यही संस्कार दिए थे कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? नाटक तो आप कर रहे हैं भैया, नाटक तो आप कर रहे हैं। क्यों दिखाने आए ये हमदर्दी? नहीं मतलब इस हमदर्दी को दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब? मतलब आप हमसे मतलब पूछ रहे हैं? उस घर में हम पर जुल्म जुल्म होते रहे, आपने आवाज नहीं उठाई? आप इतने नादान बनने की कोशिश क्यों करते हैं? आप जब से आए हैं कम से कम आपको आज 15 दिन घर आए हुए हो गए हमें पता है, लेकिन आपको इतनी सी भी फिक्र थी कि मेरे भाई है कहाँ? जब मुझे उस घर में ये पता चला कि तू अपने दोस्तों के साथ टूर पे गया, और ये हरिद्वार। हरिद्वार? नाटक बंद कीजिए भैया, आप बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कहेंगे। वो भाभी जिसको आप अपनी पत्नी कहते हैं ना, उसने हमारे साथ क्या किया मालूम है आपको? इसने मुझे बताया। इसने आपको जो भी बताया इसने आपको पूरा नहीं बताया। इसको मारा उसने। क्या? धक्के देकर हमें घर से बाहर निकाला, हमारे फोन उन्होंने छीन लिए, हमें एक एक रुपए के लिए मोहताज रखा, हमें खाना नहीं दिया। और कितना जुल्म करवाएंगे आप हमारे ऊपर? बस लेकिन तू मुझे फोन तो कर सकता था। किस क्या फोन करते? अरे दीनानाथ जी के पास मेरा नंबर था, उनसे एक बार बोझ तो देता कि मेरे भैया से बात करा दो। हमें आपसे बात करनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहे थे। जिस समय हमें घर से बाहर निकाला ना, दोनों भाई 3 दिनों तक हम भूखे सोए हैं। वो दिन भूल जाए जो 3 दिनों तक भूखा सोना पड़ा। अगर दीनानाथ जी नहीं होते तो शायद आज आपके भाई कहीं मरे हुए पड़े होते। वो तो इस आदमी का रहम हम पे मान लीजिए, या हमारे पिताजी के कुछ अच्छे कर्म मान लीजिए, जो उन्होंने हमें तुरंत अपने यहाँ काम पर लगाया। अच्छे संस्कार दिए मैंने तुम्हें, 3 दिन की भूख तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। कभी देखा बचपन से आज तक इसी कंधे पे लेकर तुम लोगों को चलाऊं मैं? अरे महीनों नहीं खाया कुछ, लेकिन तुम्हारा पेट भूखा नहीं रखा मैंने। अपने पेट को काट काट के तुम लोगों का पेट भरा है मैंने। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इसको पढ़ाया लिखाया, अपने सारे सपनों को तोड़ा मैंने। तुम कहते हो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? हम ये नहीं कहते कि हमारे भाई ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपकी खातिर हम चुप रहे, आपकी खातिर ही हम चुप रहे, क्योंकि हमारे भाई के संस्कार हमारे मन में थे। आपके सिखाई हुई सारी बातें हमने अपनी इच्छाओं में रखी, लेकिन हम चुप इसलिए रहे क्योंकि आप भाभी से प्यार करते थे। वो नागिन तो वो औरत थी, आप नहीं। हमें आपसे कोई शिकवा भी नहीं है भैया, शिकवा तो उस औरत से है जिसने हमें अपने घर से बाहर निकाला। हमारी हमारे घर में ही कोई इज्जत नहीं है तो बाहर के लोग हमारी क्या इज्जत करते? और आप सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। मैं सब कुछ जानकर चुप रहा। हाँ भैया, क्या मैं इतना खुरदर्ज हो चुका कि मेरे भाइयों पर जुल्म होता रहा और मैं खामोश सुनता रहा, खामोश चुप रहा? क्या मेरे सीने में दिल धड़कना बंद हो गया था? क्या मेरे दिल से तुम्हारे लिए मोहब्बत कम हो गई थी, या तुम लोग मेरे दिल से बाहर चले गए थे? अरे मेरे भाइयों, मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हें हर चीज। एक बार मैं जानता हूं अगर गलती हुई है तो उस गलती की माफी मांगता हूं। बस गलती मुझसे इतनी हुई है क्योंकि मैंने उस नागिन पे भरोसा किया। उस नागिन पे भरोसा करके तुम दोनों भाइयों को उसकी जिम्मेदारी के लिए छोड़ गया। पर अब कुछ नहीं होगा, एक मौका अपने भाई को दो, सिर्फ एक मौका। आप हाथ में जोड़ी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। नहीं भाई, एक मौका अपने भाई को दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रवि, किशन, कुछ नहीं बिगड़ा अभी, बस तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आता हूं। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब करके आऊंगा मैं, एक एक थप्पड़ का बदला लेकर आऊंगा मैं। उस औरत को इतना जलील करूंगा कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। भैया,
सपना सपना जीजा जी पूजा दीदी नहीं है नहीं है हाँ अभी आई नहीं नहीं सपना क्या हुआ जीजा जी कुछ नहीं वो पूजा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ पूछिए जीजा जी पूजा जब मेरे भाई यहाँ से गए तो तुम्हें पता है क्या तुम्हें पता है कि वो कैसे गए खैर तुम्हें क्या पता होगा तुम तो घर में ही नहीं होगी मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कहो पूजा जिस टाइम दीदी के साथ बदतमीजी हुई उस टाइम मैं घर पे नहीं थी लेकिन हाँ दीदी के साथ बदतमीजी हुई हाँ किसने की दीदी के साथ बदतमीजी रवि और किशन ने रवि और किशन ने ना जी 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 मैं नहीं मान सकता इसलिए नहीं मान सकता कि मेरे भाई अगर मैं एक बार जोर से बोल दूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे वो बड़ों का तो इतना आदर करते हैं कि मैं ही क्या अपना भैया क्या बाहर का अगर कोई भी बड़ा मिल जाए ना तो उनके पैर छूते हैं वो और वो अपनी माँ जैसी भाभी की बेइज्जती करेंगे मैं नहीं मान सकता जी मेरी बात सुनिए मुझे दीदी ने मुझे बताया कि उन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा उनसे बदतमीजी की और उन पर गंदी नज़र भी डालते थे और इसी बात को लेके रवि और किशन में और दीदी में झड़बाजी भी हुई थी और वो दोनों घर छोड़ के चले गए मेरी समझ में सब आ गया और यहाँ तक कि जीजा जी दीदी पे हाथ भी उठाया और उनसे पैसे छीन के भाग गए और तो और जीजा जी वो रवि किशन दीदी से अय्याशी यो के लिए जुआ खेलने के लिए पैसे मांगते थे और दीदी नहीं देती थी तो उनसे बदतमीजी करते थे तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई तुम्हारी बहन की बेइज्जती करते थे हाँ जीजा जी मुझे दीदी ने बताया तुम्हारी बहन से पैसे मांगते थे हाँ जीजा जी अपने जुआ और अय्याशी के लिए जी तुमने सुना ये सब कुछ जीजा जी मुझे दीदी ने बताया और दीदी मुझसे झूठ और तुमने यकीन कर लिया तुमने यकीन कर लिया तुमने ये यकीन कर लिया कि मेरे भाइयों ने तुम्हारी बहन की बेइज्जती करी मेरे भाइयों ने तुम्हारी बहन के थप्पड़ मारा अगर इतनी बड़ी बात तुम्हारी बहन के साथ हो गई होती ना तो तुम्हारी बहन मुझे फ़ोन करके बताती दसियों फ़ोन किए उसने लेकिन कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया और तुम कहती हो कि तुम्हारी बहन शरीफ है जीजा जी दीदी ने मुझसे बोला कि अगर वो आपको बताएंगी तो बेवजह आप नाराज होंगे और पूछा तुम इस घर में कब से रह रही हो साल हो गए तुम इस घर में रहते हुए क्या रवि किशन ने तुमसे बदतमीजी की क्या रवि किशन ने तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी की नहीं तो तुम्हें कैसे यकीन दिला सकूं तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि मेरे भाइयों ने तुम्हारी बहन की बेइज्जती की नहीं पूजा अगर भगवान भी स्वयं आकर मुझसे मेरे भाइयों के खिलाफ एक लफ्ज भी कहेगा तो भी नहीं मानूंगा जानती हो क्यों क्योंकि मैंने अपने भाई को वो संस्कार दिए हैं भाइयों को कि वो दुनिया में किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते हर चंद पैसों के लिए नहीं और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है तुम्हारी बहन कि मेरे भाई जुआ खेलने के लिए अय्याशी करने के लिए पैसे मांग रहे हैं अरे सच तो ये है कि तुम्हारी बहन ने मेरे किशन पर हाथ उठाया है और सच तो ये है कि मेरे भाई रवि को उस दीनानाथ जी के यहाँ काम करने पे मजबूर तुम्हारी बहन ने किया है और आज तुम कहती हो कि तुम्हारी बहन के साथ ये सब हो गया मैं जानता हूँ पूजा जिन भाइयों ने कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करी कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी वो भाई भले अपनी माँ जैसी भाभी को इस तरह बेइज्जत करेंगे लेकिन जीजा जी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता बस दीदी ने मुझे जो बताया वो मैंने आपको बता दिया पूजा तुम्हारी कमी सिर्फ एक सी है और एक ही बात है कि तुम पर्दे का एक तरफ देखना चाहती हो पर्दे की तुमने दूसरी तरफ नहीं देखा कि क्या चल रहा है क्या साजिश चल रही है इस घर के अंदर क्या साजिश रची है तुम्हारी बहन ने मेरे भाइयों के साथ क्या साजिश की है इस घर में अरे हर नाटक में एक हैप्पी एंड होता है तुम्हारी बहन ने तो मेरे घर को बिल्कुल चला कर राख कर दिया अरे वो तो भला हो मेरे भाइयों का कि इस घर से जाकर उन्होंने
तुम्हारी बहन से कोई भी अपने हिस्सा या अपनी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, और तो और उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया दीनानाथ जी के यहां कर जाकर कि उनके भाई के सामने तुम कहती हो कि तुम्हारे भाई। बस पूजा, पूजा मैंने तुम्हें हमेशा बहन की तरह देखा है, हमेशा तुम्हारी उतनी इज्जत की है। काश मेरी कोई बहन होती मेरे भाइयों के साथ तो मैं उसकी इतनी इज्जत करता, लेकिन शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बहन को वो संस्कार नहीं दिए। माफ करना पूजा। इसका मतलब है मेरी दीदी गलत है, जो जीजा जी ने जो बताया वो सब कुछ सच है, रवि किशन गलत नहीं, मेरी दीदी गलत है। विजय, सपना, ऐसे क्यों खड़े हो? तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ, तुम्हारे इंतजार कर रहे हो। यही मंदिर? बस हाँ, मैं मंदिर भी हो गई और बस भगवान से एक ही दुआ मांग के आई कि मेरा पति और मेरे दोनों देवर, बस हे भगवान मेरे परिवार को खुशी खुशहाल रखना बस। अरे तुम्हें क्या हुआ? एक दुआ और मांग लेती, शायद तुमने ये दुआ नहीं मांगी, तुमने ये दुआ मांगी कि भगवान मेरे पति और मेरे पति के दोनों भाइयों को इस दुनिया से उठा ले। ये कैसी बात है? यही बात कर रहा हूं मैं तुमसे, नागिन की तरह डस लिया पूरे परिवार को। मेरे भाई एक हरिद्वार गया है और एक कॉलेज के टूर पे गया है, क्यों है ना? बस यही कह के गए थे कि बस थोड़े से दिनों में आ जाएंगे, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये नहीं कह के गए थे कि तुमने उनके साथ क्या किया है? क्या बिगाड़ा था? क्या इस घर में तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ी थी मैंने? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे इस घर के लिए? विजय, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे इस घर के लिए? जैसा तुम समझ रहे हो। ये थप्पड़ मेरे उस भाई का है जिसके मुंह पे तुमने थप्पड़ मारा, ये थप्पड़ मेरे उस छोटे भाई का है जिसको तुमने जलील किया, जैसा तुम समझ रहे हो। ये थप्पड़ उस जगह का है, तुम जैसी नागिन को मर जाने ही अच्छा है। क्या बिगाड़ा मेरे भाइयों ने? अरे मेरे भाई, मेरे भाइयों को तो बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं था और तुमने उनको सड़क पे लिया। जी चाहता है कि तुम्हें तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार दूं। देखो मेरी तरफ, क्या मेरे भाइयों ने कभी तुम्हारे लिए कुछ कहा है? नहीं विजय, मेरी कोई कमी नहीं थी, वो तो तुम्हारे भाई मुझसे बदतमीजी करते थे। मेरे भाई तुमसे क्या, दुनिया में किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं सच बोल रही हूँ। अरे तुम जैसी औरत तो चाहती बलात्कार तक का इल्जाम लगा सकती थी मेरे भाइयों पर। चले जाओ यहाँ से, चले। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम्हारे दिल में तुम्हारे भाइयों के लिए कहीं गुस्सा ना आ जाए। तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया? अरे मुझ पर गंदी नजर डाल देते। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही विजय, मेरे भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते, मेरे भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। अरे तू अपनी बात कर रही है, वो तो किसी तेरी बहन को सालों यहाँ रहते हुए हो गया, तेरी बहन को नजर उठा के उन्होंने नहीं देखा और तू बोल रही कि तेरे ऊपर गलत नजर डालते थे। क्या मैं तेरे लिए मर गया था? शर्म आने लगी है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने, तुम जैसी पत्नी इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। विजय, मुझ पे गलती हो गई विजय। और मर गया विजय तुम्हारे लिए। नहीं ऐसा मत कहो। सपना मुझे माफ कर दो विजय। सपना मैंने अपने भाइयों के आंखों में खून के आंसू देखे हैं। मैं उनसे माफी मांग लूंगी विजय, मुझे घर से मत निकालो और अपने आप से मुझे दूर मत करो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। विजय तुम्हें पता है मैं अपने बाप की दौलत ठुकरा के तुम्हारे साथ चली आई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। तुम उनसे प्यार नहीं कर सकती थी, तुम ये चाहती थी कि अपने
माँ बाप की दौलत को ठुकरा कर इस घर में राज कर सको, एक बाहुबली बहू बन सको। अरे मैंने अपने भाइयों की आंखों में आंसू देखे हैं, बचपन में अगर उनकी आंख से एक आंसू गिर जाता था ना तो मैं सारी रात नहीं सोता था। तुमने तो मेरे भाइयों को खून के आंसू रुला दिया। मुझ पे बहुत बड़ी गलती हो गई विजय, माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ विजय। बस सपना बस। अगर मैं जाऊंगी भी तो तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी विजय? तुम जैसी औरतों के लिए बहुत जगह है। विजय मैं तुम्हारे आगे पैर फोड़ती हूँ विजय। मेरे आगे पैर पड़ने की जरूरत नहीं है सपना। नहीं विजय, अगर तुमसे नहीं जाया जा रहा तो मैं इस घर से जा रहा हूँ। विजय रुक जाओ विजय। दीदी दीदी क्या हुआ दीदी? जीजा जी पूजा क्या हुआ दीदी? दीदी बताओ ना। सब कुछ खत्म हो गया। हुआ क्या? मैंने बहुत बड़ी गलती करी। गलती? रवि और किशन को निकाल गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ। इसका मतलब? अरे मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, जो बेटे जैसे भाइयों को घर से निकाल दिया उसके विजय के। इसका मतलब जीजा जी सही कह रहे थे, रवि और किशन को तुमने घर से निकाला था? हाँ मैंने तो उससे झूठ कहा था कि उन लोगों ने मेरे ऊपर गंदी नजर डाली। अरे वो तो मुझे माँ की तरह देखते थे। ये तो सब मेरी कमी थी। बड़ी गलती? मुझे 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 विजय से अलग नहीं होना पूजा। मैं क्या करूँ? मैं वो लोग कहाँ मिलेंगे पूजा? दीदी अगर तुम जीजा जी के साथ रहना चाहती हो तो रवि और किशन से माफी मांगो, चाहे उनके पैर क्यों ना पकड़ने पड़े। वो लोग कहाँ मिलेंगे? मुझे पता है दीदी वो लोग कहाँ मिलेंगे। वो दीना मुझे उनके पास ले चल पूजा, मुझे उनके पास ले चल। ठीक है दीदी चलो तुम। अगर हम लोगों ने देर कर दी तो घर बर्बाद हो जाएगा। किशन रवि आ गया मैं तुम्हारे पास, छोड़ दिया उस घर को भी, हालांकि वो हमारे माँ बाप का घर जरूर था। ऐसे लाखों घर तुम लोगों पे कुर्बान है मेरे भाइयों। पर चलो। पर भैया आपने हमारी खातिर, आपने भैया गलत किया है। पागल हो गए तुम लोग? भूल गए अपने ऊपर जो जुल्म हुए? भूल गए अपने उन आंसुओं को जो रातों दिन खून के आंसू रहे? भूल गए अपने पेट की उस भूख को जो 3 दिन भूखे रहे हो तुम लोग? और आज तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या आपने गलत किया? क्या गलत किया क्या सही किया, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा जानता हूँ। भैया समझने की कोशिश कीजिए भैया। देखिए वो मानते हैं कि वो औरत गलत है, लेकिन उसके साथ गलत बनकर हमें गलत नहीं बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो संस्कार मैंने दिए हैं उन संस्कार की वजह ये जो आज तुम उस औरत की हमदर्दी पर उतर आए हो। मैं तुमसे सब यही पूछना चाहता हूँ, क्या वो तुम्हारे साथ दोबारा नहीं करेगी ऐसा कुछ? क्या तुम्हें फिर से तुम्हारा शोषण नहीं करेगी वो औरत? चलो मेरे साथ। नहीं भैया भैया रवि तुम चले जाओ यहाँ से। रवि किशन इस औरत से कह दो कि यहाँ से चली जाए, वरना मैं। नहीं भैया नहीं भैया। रवि रवि छोड़ मेरे भाई का हाथ ना, दौलत चाहिए ना, तुम लोग शोहरत चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझ पे, जो मैंने भाई जैसे देवरों पे अत्याचार करे। नहीं भाभी। किशन माफ कर दो मेरे भाई। भाभी नहीं भैया, तुम लोग तो मेरे बच्चे की तरह हो। भैया ऐसे नहीं करते थे। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बड़े अन्याय किया, मेरी तो सजा माफी के काबिल। दिल तो कर रहा है कि शोहरत को धक्के देके यहाँ से निकाल दो। भैया समझने की कोशिश कीजिए। तू चाहता है रवि और किशन मैं इसको दोबारा माफ कर दूं? नहीं भैया समझा करो, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं किशन। अरे भैया गलती हो गई है उनसे, अगर वो माफी मांग। कोई बात नहीं, अगर ये मुझे माफ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो मुझे माफ कर दो। अभी हम छोटे हैं आपसे और हमारा माफ करने का कोई हक नहीं है, उल्टा हमसे गलती हुई है आप हमें माफ करें। ठीक है विजय, अगर
तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो मर तो सकती हूँ। भैया भाभी, भैया भाभी को रोको, भैया भैया रोको, जाने दो भैया। भैया प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज भैया आप हमसे बड़े हो, आप समझने की कोशिश करो। अगर भी तू क्या चाहता है भैया, और तू ये चाहता है कि उस औरत को वापस मैं इस घर में बुला लूं? हाँ भैया, वो औरत आपकी बीवी है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर वो मेरी बीवी होती ना तो तुम लोगों की इतनी बेइज्जती नहीं करती। कोई बात नहीं भैया, गलतियाँ हो जाती हैं, गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाए। समझदारी से काम लीजिए भैया, अगर कुछ कर लिया भाभी ने तो। जल्दी जाइए, कहीं देरी ना हो जाए भैया। जाइए भैया, भैया जाइए। सपना, सपना छोड़ दो, क्या कर रही हो सपना? मर जाने सपना, सपना छोड़ दो मुझे, मर जाने सपना, सपना होश में हो सपना, तुम चाहती हो तुम्हारे मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और मैं जी के भी क्या करूंगी, क्योंकि मैंने वो गलती करी है जो माफ करने की काबिल ही नहीं है मुझे। मैं जानता हूँ सपना कि तुमने गलती वो की है जिसे भगवान भी माफ नहीं करता, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़ के चली जाओगी? अरे देखो मेरे भाइयों की तरफ, उन्होंने भी माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ? सपना मैं जानता हूँ इंसान से गलती होती है और माफ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है। मेरे भाइयों ने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने मुझे माफ कर दिया सपना। चलो अपनी जिंदगी का एक नया जीवन जीते हैं।